और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने कादीपुर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी रामानंद वर्मा से अमर्यादित भाषा में बात की है। उनकी इस भाषा से कर्मचारी रामानंद वर्मा काफी दुखी नजर आए। आइए सुनते हैं दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। तुम जेल जाना चाहते हो? मैडम नहीं है टिकट, मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझे परवाह नहीं है, जाकर के सुल्तानपुर से लेकर क्या। मैडम वहाँ से कई बार मतलब लेटर लिख के भेजा गया है, टिकट हमारे यहाँ नहीं है, भेजा गया बट वहाँ आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। इसको भेजना है आपको, मतलब वहाँ एचओ को मतलब लिखा जा रहा है एप्लीकेशन, हमारे यहाँ स्टाफ खत्म है टिकट का। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम टिकट ब्लैक में बेचते हो। मैम मैं अभी हमारी देखो नई ज्वाइनिंग है, एक हफ्ते हुआ मुझको यहाँ पर ज्वाइन किए, लेकिन आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। फिर मैं सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दे दूं? मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक हफ्ते मुझको हुआ ज्वाइन किया यहाँ पे। आप फोन मुझे परवाह नहीं है, आपको एक लाइन, एक हफ्ता हो या दो हफ्ते हो, आप सुल्तानपुर फोन करिए, एक घंटे के अंदर अंदर टिकट पहुँचना चाहिए। किससे मंगवाना है टिकट? मैं मैडम एक तो मैं वो हूँ नहीं, जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है उनके अंडर मैं मंगवाना, आप जो भी हो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो आपने ये ऑडियो सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष पांडे जुड़ चुके हैं। संतोष, पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेकर ये बातचीत हुई है? जी आपको पता चला, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है इसको देख करके एक बात तो क्लियर है कि सुल्तानपुर के सांसद कितनी संजीदा हैं अपने जिले के लिए, और छोटे से छोटे विभाग में छोटे से छोटे कर्मचारी द्वारा अगर कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उसको उजागर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। अब जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है उसको देखते हुए कहना गलत ना होगा कि जिस तरह से मेनका जी ने टिकट के लिए जो कि टिकट डाकखाने में मिलता है और उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, किसी ने शिकायत किया उनको, उन्होंने फोन किया, उसके बाद जिस बंदे से वो बात कर रही हैं वो बंदा ये भूल चुका है कि ये एक सांसद है और सांसद सुल्तानपुर है, और सांसद की जिम्मेदारी है कि जिले में सारी गतिविधियां जो हो रही हैं उन पर वो निगाह रखे, उन पर ध्यान दे और उनको उस चीज से बचाए। लेकिन उस व्यक्ति ने जरा भी लिहाज नहीं किया कि वो सांसद का लिहाज करता और ये सोचता कि मैं मेनका जी से बात कर रहा हूँ जो कि सुल्तानपुर के सांसद है, लेकिन उसने उस तरह से रवैया अपनाया कि एक निगेटिव फैक्टर जो है वो सामने आ जाए। और ये माहौल इस समय लोकसभा चुनाव का है, लेकिन इसके बाद ये भी कहना गलत ना होगा कि हो सकता है कि इसमें कहीं भी फिरोजी की कोई साजिश हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि जिस तरह ये आदि वायरल हुआ है वो देखिए, अगर किसी ने हड़बड़ाहट में गुस्से में कुछ बोल दिया वो तो अलग बात है, लेकिन सांसद कितनी संजीदा है अपने सुल्तानपुर जिले के लिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है कि एक कार्यकर्ता के लिए वो फोन करती है और कहती है कि तुम जी, बिल्कुल संतोष, बिल्कुल संतोष, एक सांसद है वो संजीदा है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।